सुप्रभात विद्यार्थियों मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका बच्चों हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे हैं ठीक है सबसे पहले हमने संधि में संधि की परिभाषा पढ़ी तो परिभाषा में हमें संधि का अर्थ पता चलता है कि संधि आखिर क्या होती है तो संधि क्या होती है यहाँ पे दो निकटवर्ती वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं ठीक है हमने ये उसकी परिभाषा पढ़ी उसके बाद हमने क्या पढ़ा संधि के भेद और संधि के भेद कितने हैं तीन हैं स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि और हमने कौन सा भेद पढ़ा स्वर संधि तो स्वर संधि में क्या था कि जब दो स्वर आपस में मिलने से परिवर्तन उत्पन्न करते हैं उसे हम स्वर संधि कहते हैं ठीक है हमने ये पढ़ा और साथ में हमने क्या किया आ के स्वर वाले मेल से आ के स्वर के मेल से जो संधि परिवर्तन आ रहा है संधि में शब्दों में परिवर्तन आ रहा है ठीक है हमने वो पढ़ा ठीक है और आज हम इनका अभ्यास करेंगे आ स्वर वाले शब्दों का ठीक है बच्चों संधि करने से पहले जो हमें याद रखना चाहिए मेन पॉइंट जो है संधि करने का हमें जो याद रखना है वो क्या है हमने क्या याद रखना है कि अ और अ के मेल से आ बनेगा अ और आ के मेल से आ बनेगा आ या अ के मेल से आ बनेगा आ और आ के मेल से, आ आ आ के मेल से भी आ बनेगा ठीक है और हमें क्या देखना होता है हमें देखना होता है कि हमारा जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है ठीक है और द्वितीय शब्द में हमें देखना होता है कि उसका प्रथम शब्द क्या है जब हमें ये पता चल जाए कि हमारे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है और उनके मेल से कौन सा वर्ण उत्पन्न रहा है ठीक है अगर हमें ये पता चल जाता है अगर हमें ये निकालना आ जाता है ठीक है तो हमें क्या आता है हमें संधि बहुत अच्छे से आ जाती है फिर हम संधि अच्छे से कर सकते हैं ठीक है तो इसके लिए आपने क्या याद रखना है कि कंडीशन कोई भी हो अ में अ हो या अ में आ हो या फिर आ में अ हो या आ में आ, आ, आ हो तो क्या हमारा कौन सा स्वर बनेगा आ ही बनेगा ठीक है आपने ये याद रखना है आज हम इसी से संबंधित कुछ शब्द करेंगे ठीक है अभ्यास करेंगे देखिए हम सबसे पहले किसका मेल देखेंगे अ और अ के मेल से आ कैसे है? ठीक है हमारा पहला शब्द क्या है क्रम और दूसरा क्या है अनुसार तो हमें पहले शब्द का क्या देखना है अंतिम वर्ण देखना है और क्रम का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है क्रम तो क्या अंतिम वर्ण आ रहा है अ ठीक है तो इसका मतलब क्रम में क्या है अंतिम वर्ण अ है और हमारा जो द्वितीय वर्ण है अनुसार उसमें क्या है अ है तो मतलब क्रम का ओ और अनुसार का अ मिलके अ और अ मिलके क्या बन गया आ बन गया तो हमारी संधि क्या बन गई क्रम जमा अनुसार को, को मिला के क्या बना क्रमा अनुसार ठीक है वैसे ही जमा अंबर आपने इसमें क्या देखना है अंतिम वर ठीक है प्रथम शब्द में अंतिम वर और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण यहाँ क्या है अ और पीत यमा अंबर मतलब अ और अ का क्या बन गया आ बन गया ठीक है और हमारा शब्द क्या बन गया पीत जमा अंबर पितांबर ठीक है आगे हमारा क्या है अ और आ के मेल से यहाँ पे क्या शब्द है देव अंत में क्या आ रहा है अ यहाँ पे क्या है आल्य अंत में प्रथम में क्या आ रहा है आ आ रहा है तो अ और आ के मेल से क्या बन गया आ और हमारा देव जमा आल्य को मिला के क्या शब्द बन गया देवालय ठीक है शरण जमा आगत शरण के अंत में अ की ध्वनि ठीक है और आगत में आ अ और आ के मेल से हमारा क्या बना आ बना ठीक है तो शरण जमा आगत शरणागत ठीक है ऐसी अब हम देखेंगे आ और अ के मेल से क्या बनता है आ बनता है ठीक है यहाँ पे शब्द क्या है शिक्षा शिक्षा के अंत में शिक्षा शब्द के अंत में कौन सा वर्ण है आ है ठीक है और दूसरा शब्द हमारे पास क्या है अर्थी तो अर्थी में हम हमारे पास प्रथम वर्ण क्या है, ओ है. आ और अ के मेल से हमारा हमारा क्या क्या बन गया आ शिक्षा जमा अर्थी बना तो शिक्षा जमा अर्थी को मिला के हमारा क्या बन गया शिक्षार्थी ठीक है ऐसे ही हमारे पास एक और शब्द है विद्या जमा अर्थी ठीक है विद्या का अंतिम वर्ण हमारे पास क्या है आ और अर्थी अर्थी का प्रथम वर्ण हमारे पास क्या है अ आ और अ के मेल से बन गया हमारा आ विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी ठीक है अब हमारे पास क्या है आ जमा आ के मेल से क्या बना आ अब यहाँ देखिए महा जमा आल्य महा के अंतिम वर्ण क्या है महा का आ और आल्य का प्रथम आ आ और आ के मेल से हमारा क्या बना आ ठीक है महा जमा आल्य महाल्य ठीक है ऐसे हमारा आगे का शब्द है महा जमा आशय इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है महा जमा आशय की संधि महाशय ठीक है अब ऐसे ही देखिए मैंने कुछ शब्द दिए हैं ठीक है ये आपने खुद पता करना है कि इसके प्रथम वर्ण में क्या है और जो हमारा प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है और जो हमारा द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है जैसे गोल जमा आकार तो हमारा क्या शब्द बन बन रहा है गोलाकार ठीक है दया जमा अनंत दयानंद श्रद्धा जमा अंजलि श्रद्धांजलि न्याय जमा आल्य न्यायालय सह जमा अनुभूति सहनभूति ठीक है ये आपने खुद देखने हैं कि इनका अंतिम वर्ण क्या है प्रथम शब्द का और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है ठीक है जब आपको ये देखना आ गया तो इसका मतलब आपको संधि भी अच्छे से आ जाएगी ठीक है और मैं आशा करती हूँ कि आपको स्वर आ वाली संधि अच्छे से आपको पूरी तरीके से आ गई होगी ठीक है धन्यवाद बच्चों